जैसे कि देख रहे हैं, ये है Redmi Note 8 और इसमें मैंने MIUI 12 जो है बहुत पहले इंस्टॉल करके रखा था। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कि आप किस तरह से MIUI 12 से MIUI 11 में रोल बैक हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ फाइल्स का डाउनलोड लिंक दिया है, उसे आपको डाउनलोड करना है। साथ ही साथ जो आपका डिवाइस है उसका बूट लोडर अनलॉक रहना चाहिए और आपको चाहिए एक PC या लैपटॉप। उसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपका जो डिवाइस है उसे आपको पावर अप कर देना है। पावर अप करने के बाद आपका डिवाइस को फास्टबूट मोड में लाना है। तो फास्टबूट मोड में लाने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम माइनस बटन है उसे सबसे पहले प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे पावर बटन, उसके बाद थोड़ा देर आपको होल्ड करके रखना है जिससे आपका फास्टबूट मेनू ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ मोबाइल का काम खत्म हो चुका है, अब सीधे चलते हैं PC में। अब जो भी काम है सब PC में, तो PC में चलते हैं। PC में आने के बाद आपको करना कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो Xiaomi Flash 2 है इसे आपको डाउनलोड करना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इसे इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फर्स्ट सेटअप में सबसे पहला जो पेज आएगा आपको ये ड्राइवर वाला, तो ड्राइवर आपको यहाँ पे 5 ड्राइवर जो दिया गया है इसे आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मेरा रीइंस्टॉल इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसे मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाहता, इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका डिवाइस रोम है वो आपको डाउनलोड करना है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है, और ये जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद MI Flash Tool को आपको ओपन कर लेना है जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपका डिवाइस आईडी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे टैप करना है। सिलेक्ट पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो भी आपका फाइल आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए जो नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर ऑल एंड लॉक, उसके बाद सेव यूजर डेटा एंड क्लीन ऑल। तो आप अगर बूट लोडर को अनलॉक करके रखना चाहते हो तो आपको करना क्या है कि क्लीन एंड लॉक, क्लीन ऑल आपको टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे जो फ्लैश बटन दिया गया है उसे आपको टैप कर देना है। जैसे आप फ्लैश पे टैप करेंगे उसके बाद आपका डिवाइस जो है फ्लैश होने लगा, तो इसे फ्लैश होने देते हैं। ये आपके PC के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना टाइम लेगा, तो वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है सक्सेस लिखा गया है, साथ ही साथ जो हमारा डिवाइस है ये रिस्टार्ट हो चुका है। तो PC का काम खत्म हो चुका है, अब आप केबल को डिस्कनेक्ट करके PC को क्लोज कर सकते हैं और चलते हैं सीधे मोबाइल की तरफ। तो जैसे कि देख रहे हैं मोबाइल जो है हमारा रिबूट हो रहा है, तो रिबूट होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डिवाइस है MIUI 12 से अभी MIUI 11 में रोल बैक हो चुका है। तो आप इस स्टेप को फॉलो करके आप अपने कोई भी Redmi के डिवाइस को MIUI 12 से MIUI 11 में रोल बैक हो सकते हैं। तो आगे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बटन है उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल को भी सिलेक्ट कर देना है मेरे वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। थैंक यू।